हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, क्लैट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, जिसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग है। 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो है आपके गलत आंसर के लिए होंगे। इसमें 5 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके अलावा करंट अफेयर जिसमें जनरल नॉलेज भी पूछी जाएगी, और लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग तथा क्वांटिटेटिव टेक्निक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको पैसेज दिया जाएगा जिसके मेन पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा कंक्लूजन बेस्ड पैसेज दिए जाएंगे और पैसेज को समराइज करना होगा। इसके अलावा डिफरेंट आर्गुमेंट्स को कंपेयर तथा कंट्रास्ट करना होगा। इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप के वर्ड और फ्रेज की मीनिंग पता होनी चाहिए, साथ ही उनका यूज, इन सब की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से आनी चाहिए। करंट अफेयर की बात करें तो इसमें आपसे कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर तथा हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर लीगल रीजनिंग की बात करें, इसमें आपको पैसेज दिया जाएगा जो कि 450 वर्ड का होगा, जिसमें आपको जो है आपको रूल्स और प्रिंसिपल जो है आइडेंटिफाई करने होंगे पैसेज से, और उन रूल्स को तथा प्रिंसिपल को जो है अलग अलग फैक्ट और सिचुएशन में आपको अप्लाई करना होगा। ये आपका पैसेज होगा जिसमें क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उन सिचुएशंस पे जो है कौन से रूल्स लगेंगे, कौन से फैक्ट होंगे, उनको जो है आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग में आपसे आर्गुमेंट तथा उसके प्रीमाइसेस और कंक्लूजन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा पैसेज दिया जाएगा जिसमें आर्गुमेंट सेट जो है आइडेंटिफाई करने होंगे। क्रिटिकल एनालिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको जो है नई सिचुएशन में कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा रिलेशनशिप और एनालॉजीज के बारे में पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन और स्टैटिकल एस्टिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें ग्राफ और चार्ट्स होंगे। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, इस PDF को डाउनलोड कर लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा इस समय UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बंपर ऑफर दिया जा रहा है। आपको जो है 18 मंथ का कॉम्बो पैक दिया जा रहा है केवल 70,998 में। इसके अलावा आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा और 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे। तो अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस प्लान में आपको केवल 70,998 रुपए में 18 मंथ का कॉम्बो पैक दिया जा रहा है। इसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा SR अड्डा कूपन कोड यूज करने के बाद और 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। साथ ही बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे आपको फिजिकल बुक्स दिए जाएंगे, 3 मंथ का एक्सटेंशन और फ्री टेस्ट सीरीज। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कर लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा लगभग 4 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो आप इसको जीत सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी कॉम्बैट ज्वाइन करना होगा, जो पूरी तरह से फ्री है। इसको एनरोल करने के बाद आप जो है एक टेस्ट देंगे, जो कि हर संडे को सुबह 11 बजे होता है, जिसमें 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट में। उसके बाद जिन लोगों की रैंक 1 से 3 के बीच में होगी उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जिनकी रैंक 4 से 10 के बीच में है उनको जो है 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जिनकी रैंक जो है 11 से 50 के बीच में है उनको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जिनकी रैंक 51 से 500 के बीच में है उनको 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप इनरोल कर लें। और इनरोल करने के लिए आपको SR अड्डा कोड यूज करना होगा, तभी आप इनरोल कर पाएंगे। तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।